नमस्कार नवोदय प्लस टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सकीना। आइए देखते हैं आज की यह एक और ताज़ा खबर। झांसी में आज लोक जनसंघर्ष पार्टी के तत्वावधान में सीपरी बाजार स्थित काशीराम पार्क के पास बुजुर्गों और समाचार पत्र वितरक तथा रसोई गैस एजेंसियों पर कार्यरत हॉकरों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का आयोजन लोक जनसंघर्ष पार्टी के बुंदेलखंड अध्यक्ष फूल सिंह तोमर, 223 विधानसभा प्रत्याशी के संयोजन एवं उत्तर प्रदेश अध्यक्ष मुमताज खान के मुख्यातिथ्य और प्रदेश अध्यक्ष सलाहकार पवन रजक की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष एहसान खान, जिला अध्यक्ष यश शर्मा, बुंदेलखंड महामंत्री महेंद्र सिंह अहिरवार, कमल प्रसाद मिश्रा, घनश्याम प्रजापति, ग्राम सभा सदस्य, नगर अध्यक्ष राजेंद्र कुमार, SECHD मौजूद रहे। समारोह में बुंदेलखंड गैस सर्विस एवं रामराजा गैस सर्विस के हॉकरों एवं बुजुर्गों नारायण सिंह परिहार रिटायर्ड फौजी, राम भरोसे रेलवे रिटायर्ड रमेश कुमार रायकवार, मुख्तार खान, छोटू खान, नाथू राम जोशी रिटायर्ड सिंचाई विभाग, हरि कुमार गौरैया रिटायर्ड लोको पायलट और समाचार पत्र वितरकों का सम्मान उपस्थित अतिथियों द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन सोनू परिहार, लोक जनसंघर्ष पार्टी झांसी ने किया। अंत में सभी का आभार ब्रजमोहन राय ने व्यक्त किया। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से मुश्ताक अली के साथ प्रदीप की रिपोर्ट। जी नमस्कार, मेरा नाम पवन कुमार रजक, लोक जनसंघर्ष पार्टी से यहाँ पर प्रदेश सलाहकार हूँ। और यहाँ पर माननीय मुमताज खान जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके तत्वावधान में यहाँ पर हॉकर्सों का एवं बुजुर्गों का सम्मान हेतु यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। हॉकर्सों ने उत्तर प्रदेश में जिस समय COVID-19 के तहत हम लोग बहुत ही अंदर से डरे हुए थे, लोगों के बीच में जाने से डर रहे थे, घर से बाहर तक निकलने में डर रहे थे, उस समय इन हॉकर्सों ने घर घर जाकर हम लोगों को सिलेंडर की सुविधाएं प्रोवाइड करवाई और उन सुविधाओं के कारण हम लोगों के घर के चूल्हे जल सके, जिससे कि हमारे घरों का भरण पोषण हो सका। इसलिए उसी तत्वावधान में हम लोगों ने हॉकर्स के सम्मान हेतु यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं और एवं उन्हें सम्मान। मेरा नाम फूल सिंह तोमर, मैं बुंदेलखंड अध्यक्ष लोक जनसंघर्ष पार्टी एवं बुंदेलखंड गैस हॉकर कल्याण समिति से भी मैं अध्यक्ष हूँ। और मैं झांसी में हमारे जितने भी रामराजा गैस सर्विस के हॉकर बंधु हैं, बुंदेलखंड गैस सर्विस के हॉकर बंधु हैं, मैं उनको साथ लेके चलता हूँ, वो मुझे साथ लेकर के चलते हैं। और ये जो लोक जनसंघर्ष पार्टी आई है, एक नया सवेरा लाई है, इन्होंने मुझे उस लायक समझा कि बुंदेलखंड का अध्यक्ष पद देकर के मुझे गौरवान्वित किया। मैं उनका ऋणी भी हूँ। और इसके आगे जो लोक जनसंघर्ष पार्टी जो नई बनी हुई है, ये बनी तो हुई थी 2012 में, 14 में, 16 में, लेकिन इसके बाद जो 2022 में आने वाले चुनाव में हमारी पार्टी के प्रत्याशी मिनिमम है कि उत्तर प्रदेश में 25 प्रत्याशी मैदान में उतारे जाएंगे। आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज के कार्यक्रम में हमारा ये कार्यक्रम था बुजुर्ग का सम्मान, समाचार पत्र वितरकों का सम्मान और गैस एजेंसियों पर कार्यरत हॉकरों का सम्मान। ये हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय, 223 विधानसभा प्रत्याशी माननीय श्री मुमताज खान जी के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है और उन्हीं के आतिथ्य में सभी का सम्मान समारोह किया गया है। मैं सर मुमताज खान, लोक जनसंघर्ष पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, 223 विधानसभा का उम्मीदवार हूँ और मुझे आज ये मौका मिला है कि हॉकर्सों का सम्मान करने के लिए, जो कोरोना काल में हॉकर्सों ने हम लोगों की सेवा की, झांसी वालों की सेवा की, उनको घर घर जाके सिलेंडर पहुँचाया, ये हमारे लिए, झांसी वालों के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए बड़े गर्व की बात है, क्योंकि इन्होंने ऐसे टाइम में साथ दिया। हजारों लोग जो है इस दुनिया से चले गए और इतना डर बैठा हुआ था, हमें खुद डर बैठा हुआ था, घर से निकलना मुश्किल था, तो ऐसे टाइम में इन्होंने जो है हॉकर्सों ने जो है घर घर सिलेंडर पहुँचाया, जिससे कि हमको खाना कम से कम हमको मिल सका, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं मीडिया वालों का भी धन्यवाद करूँगा कि वो हमारी बात को, हमारी पार्टी की बात को आगे पहुँचा रहे हैं, इसलिए तहे दिल से मैं उनका धन्यवाद करूँगा। मैं मीडिया वालों का धन्यवाद करूँगा, हमारे सारे हॉकर्स जो हैं तो उनका भी हाथ जोड़ के मैं धन्यवाद करूँगा आगे भी इसी तरीके का। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।